इन सब चीजों के कारण इतना परिवर्तन हो जाएगा कि हमें यहाँ रहना दूभर हो जाएगा। हम सब जानते हैं कितनी ऐसी प्रजातियां हैं जानवरों की जो आज समाज में लुप्त हो गई, समाप्त हो गई। उसका कारण ही पर्यावरण है। और इसलिए जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो सिर्फ पेड़ लगाना पर्यावरण नहीं है, तो पर्यावरण के लिए हम कहते हैं जन, जंगल, जानवर, जमीन और जन, यानी पांच मूलभूत सिद्धांत, उनके ऊपर चर्चा करना, उनका समग्र चिंतन करना। और जब हम उनकी चिंता करेंगे तो चार आर का फॉर्मूला कहते हैं हम लोग, और वह चार आर है रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। जब तक हमें आवश्यकता नहीं है उसको रिफ्यूज करना, हमें काम में नहीं लेना है, लेकर के नहीं आना है अपने साथ। रिड्यूस यानी हम कम काम में लेंगे, हमें आवश्यकता नहीं है स्कूटर के ऊपर, हम पैदल भी जा सकते हैं पास में दुकानदार पे, लेकिन हम स्कूटर स्टार्ट करते हैं तो वह भी पर्यावरण के खिलाफ है। यानी रिड्यूस करना, किसी चीज को वापस रीयूज करना, और अंत में हमने जो बात कही वह है रिसाइकिल, रिसाइकिल करते हुए उनका प्रयोग करना। और सिर्फ यही नहीं, तो उसके बाद हमने उन चार तीन चीजों के ऊपर काम किया। तीन चीजें हैं पेड़, पानी और पॉलीथीन। पॉलीथीन हम सब जानते हैं, पॉलीथीन आज के समय में सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा राक्षस है। और इसलिए हम न चाहते हुए भी घर से थैला लेके जाते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं है, उसके बाद भी मजबूरी में पॉलीथीन अनचाही कितनी बड़ी मात्रा में हम घर पे लेके आते हैं, चाहे चाय की पत्ती हो, शक्कर हो, गेहूं हो, चावल हो, कुरकुरे हो, एक रुपए की चीज से लेकर के हजार रुपए के आइटम तक प्लास्टिक के अंदर पैक मिलते हैं। तो आवश्यकता है उसका कम उपयोग करना। कम कैसे कर सकते हैं, तो उसके निस्तारण के लिए हम आजकल चल रहा है एक प्रोजेक्ट इको ब्रिक्स। अपने यहाँ जो बॉटल रखी हुई है, ये मैंने घर पे रखी हुई है एक बॉटल, हम जो भी ऐसी चीज लाते हैं उस चीज को फोल्ड करें, इसके अंदर डालें 250 ग्राम एक बोतल के अंदर, यह आती है। आपको आश्चर्य होगा अपने देश के अंदर एक मिनट में 10 लाख पानी की बोतलें ये वेस्ट होती है, 10 लाख बोतलें। इतना बड़ा प्रदूषण हमारे यहां चल रहा है। दूसरी बात हम करें तो दूसरी बात आती है, वह है पानी। पानी भी हमारे लिए पता है सीमित मात्रा के अंदर है, और इसलिए उसका सदुपयोग होना, वेस्टेज नहीं करना। घर माल मिलने वाले आते हैं, परिवार वाले आते हैं, पांच जन, तो पांचों के गिलास भर के देते हैं, तो पूरा पूरा गिलास पीते हैं, कोई एक पीता है, कोई दो घूंट पीता है, कोई आधा पीता है, कोई नहीं पीता है। परिणाम ये होता है कि आधे से ज्यादा पानी वो वेस्ट जाता है। तो हमारा प्रयत्न हो आधा आधा गिलास भर के आए, या एक गिलास भरा उसके साथ एक लोटा लेकर के। तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए, कपड़े धो रहे हैं, अपने जो फर्श है उसको धो रहे हैं, तो उसको धोने के बजाय पोंछने का काम करें, कार है उसको धोने के बजाय पोंछने का काम करें। तो जितना कम पानी हम वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। और तीसरा चीज जो है वह है पेड़, जिसके हम यह हम बैठे हैं। वृक्ष जो है आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, यह हमारी ऑक्सीजन है, प्राणवायु हमको देता है। तो इन वृक्षों की रक्षा करना, उसको बढ़ाना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति के लिए 422 पेड़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत के अंदर ये मात्र 28 पेड़ है। कितना बड़ा डिफरेंस है हमारे बीच और वृक्षों के बीच के अंदर। और जब वृक्षों की कमी हो रही है तो वृक्षों के कारण पशु, पक्षी, जानवर, इन सब की कमी होती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन का महत्व हम सब ने समझ लिया पिछले कोरोना के कालखंड में। तो आवश्यकता है इन पेड़ों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके साथ जितने भी समाचारिक संगठन हैं, उन्होंने आह्वान किया कि हर घर, हर परिवार के अंदर जाएंगे और एक पेड़ देश के नाम ये लगाएंगे। यानी परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, तो उन 6 जनों के लिए 6 पेड़ हम लगाएंगे, उनकी रक्षा हम करेंगे। हमारे घर में जो बहुत छोटा बच्चा है वो पेड़ की देखभाल नहीं कर सकता, तो उसका पेड़ हम लगाएंगे और उसकी रक्षा हम करेंगे, देखभाल हम करेंगे। कोई बुजुर्ग है तो उसके नाम का पेड़ हम लगाएंगे, उसकी रक्षा हम करेंगे। कहने का मतलब कि हम जितने भी लोग हैं, यह सब लोग मिलकर के एक पेड़ देश के नाम से, यह वर्ष भर चलने वाला अभियान है। आज 10 जनवरी है, अगली 10 जनवरी 2024 तक यह अभियान चलने वाला है। तो हम सबसे आग्रह है, और उसका प्रथम चरण है आज का अपना यह बीजारोपण से वृक्षारोपण। हर घर के अंदर बीजों का अपने को कुछ एक लगाना है, यानी लगभग 10 पौधों के बीज ये हमारे यहां लगने चाहिए, इसकी थोड़ी सी हमें चिंता करनी चाहिए।
आज हम सब कार्यकर्ता इसलिए उपस्थित हुए हैं कि इस कार्यक्रम के अवसर पर यहां से जाने के बाद अपने यहां पर भी 10 पेड़ या 10 बीजों का पौधारोपण करें, जिससे वो आगे चल के बड़े हों, और जब वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको यथोचित स्थान पर हम लगा करके इस अभियान के सहभागी बने। आप सब लोगों से इतना ही आग्रह है कि इस कार्यक्रम के निमित्त जब हम पधारे हैं तो हम भी अपने घरों पर जाकर अपने सहयोगी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी परिस्थिति का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति से संपर्क कर उसको आग्रह करना कि एक पेड़ तो कम से कम आप अपने नाम का लगाओ। इस देश के अंदर हमारे ऊपर 7 पेड़ों का ऋण है, कहते हैं 7 पेड़ लगभग लगते हैं अपने पूरे जीवन के अंदर। हमें अपने ऋण से उऋण होना है तो न्यूनतम 7 वृक्ष लगाने हैं, तो एक पेड़ की शुरुआत हमें करनी होगी, और वह सब हम मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से हमने जो कार्यक्रम सोचा है एक पेड़ राष्ट्र के नाम सफल होगा। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत मान की जय। एक पेड़ राष्ट्र के नाम।